viewers, this is Ayushi Zaveri this side, and welcome to the very next episode of My Cricket Story. My Cricket Story reveals some interesting stories of world cricket stars across the world. Now, just like that, today we have with us Mr. Sai Naidu, who has not only been an excellent batsman, but also made his debut in Division A, which is the highest level of cricket club in Mumbai. Namaste. Namaste, Ayushi. Thank you. Thanks for having me. How are you? I'm absolutely fine. How are you? I'm good. Okay. So, Sai ji, aap aapke journey ke baare mein bataiye. Aapne cricket kaise start kiya? मेरी स्टोरी कुछ स्पेशल नहीं है. जैसे सब बच्चे बिल्डिंग में खेलते हैं और टीवी देखते रहते हैं, क्रिकेट देखते रहते हैं, वैसे ही मैं भी था. पर मैं कुछ ज्यादा ही टाइम खेलता रहता था, दिन भर ग्राउंड पे रहता था और पढ़ाई नहीं करता था. इसलिए मेरे पापा ने सोचा इसको लिमिट कर देते, अगर ये सीजन बॉल खेलेगा तो सिर्फ 2 घंटा खेलेगा दिन में. तो इसलिए उन्होंने मुझे क्लब ज्वाइन करवा दिया और वहां से स्टार्ट हो गया खेल. ओके, तो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे? एकदम एकदम सपोर्टिव थे. एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में जब मुझे लगता था कि मुझे नहीं खेलना है, पर वो लोग खुद मुझे बोलते थे कि नहीं खेल खेल, तूने इतना टाइम दिया है, तुझे खेलना चाहिए. वाओ, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, अभी आप आपके नेपाल टूर के बारे में बताइए, उसके क्राइटेरिया क्या थे, आप सिलेक्ट कैसे हुए और जाने से पहले कैसे प्रिपेयर किया? जो टीम यहाँ से जा रही थी वो पयाड़े को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो कि वन ऑफ द टॉप क्लब्स है मुंबई में. और उसकी जो टीम बन रही थी, उस क्लब वो टीम बनाने के लिए जिस क्लब से बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे वो क्लब में ही मैं था. और एक अच्छी टीम बनाने की जरूरत थी क्योंकि एक कंपटीशन अच्छा था, इसलिए क्लब के बाहर से भी काफी अच्छे प्लेयर्स को हम यहाँ से लेकर गए. और जैसे कि आप इतने सारे टूर्नामेंट्स में कैप्टन बने हो, तो कैप्टन होना कैसा लगता है, मतलब क्या क्या फील होता है, आप अगर मुझे ऑप्शन फिर से मिलता कि कैप्टन बनना है या नॉर्मल प्लेयर बन के अपना क्रिकेट खेलना है, तो मैं ऑफकोर्स प्लेयर बनता. बट एक प्राइड की भी बात है, कोई भी स्कूल को लीड करना, कॉलेज को लीड करना और एक क्लब को इंटरनेशनली लीड करना, तो वो काफी अच्छा था, मैं लकी मानता हूँ. हाँ हाँ, वो तो है. और पर अगर आपकी, समझ लो आपकी टीम हार गई, तो आप कैसे हैंडल करते हो? मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे को ब्लेम करते रहना पड़ता है, करते हैं लोग, तो आप कैसे हैंडल करते हो? वो ब्लेम गेम तो चलता ही रहता है, हर टीम में होता है वो. पर मोस्टली मैं जब जितने भी प्लेयर से बात करता था टूर्नामेंट हारने के बाद, तो मैं यही कहता था कि अभी आगे वाला टूर्नामेंट जीतना है, आगे वाले टूर्नामेंट में रन करना है, आगे वाले टूर्नामेंट में विकेट्स लेना है. आगे वाले टूर्नामेंट पे ही फोकस रहता था और प्रैक्टिस पे फोकस रहता था बस. अरे वाह, बहुत अच्छा. और आप जैसे के इतने टीम्स में खेले हो, तो आपको कैसा लगता है, हर कोई डिफरेंट टीम, सब एनवायरमेंट ही डिफरेंट हो जाता रहेगा? काफी टाइम लगता है, काफी डिफिकल्ट भी रहता है स्टार्टिंग में जेल इन करना. कोई कोई टीम एक्सेप्ट करता है, कोई कोई टीम एक्सेप्ट नहीं करता है. मैंने काफी प्लेयर्स को देखा है आते हुए जाते हुए, टीम चेंजेस करते हुए. वो इजी नहीं है, बट आई हैव बीन लकी कि मुझे काफी अच्छे सीनियर्स मिले. हर टीम में, जो भी टीम में मैं खेला, काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, रणजी ट्रॉफी खेले हुए, आईपीएल खेले हुए. उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे रखा, अच्छे से संभाला, बहुत अच्छा ट्रीट किया मुझे एज ए यंगस्टर. अच्छी बात है. और आपने DSO जितनी बड़े टूर्नामेंट में 6 मैचेस में 2 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज मारे, तो कैसे, मतलब इतना अच्छा कैसे और कंसिस्टेंसी कैसे करते हो आप? वो उस टाइम पे वो एक ऐसा फेज था जो हर बैट्समैन, हर बॉलर, हर किसी क्रिकेटर के लाइफ में आता है. वो फेज कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था, सब अपने आप हो रहा था, बॉल देख रहा था, अपने आप खेल रहा था. ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैं टेक्निक या ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रहा था, सब अपने आप हो रहा था. वो एक फेज, अच्छा फेज था, जो मुझे लगता है एक अच्छा मेहनत के बाद एक रिजल्ट वाला फेज था. अच्छी बात है. तो और आपका आपको कौन इंस्पायर करता है, कौन क्रिकेटर है जो आप, जिनको आप देख के बोलते कि नहीं भगवान है मेरे लिए? भगवान बोल दिया है तो इसका मैं आंसर कैसे दे सकता हूँ, भगवान तो एक ही होता है, सचिन सर. अरे सही बात है, बहुत बढ़िया, बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज
एक्चुअली गॉड ऑफ क्रिकेट, सबने उनको देख के बड़े हुए हम सब. हाँ, तो आप थोड़ा आपने क्रिक दोस्त आप यूज किया है तो आप थोड़े लाइंस बोल दिया, आपको कैसे हमारे दर्शकों को बताइए कैसा लगा आपको यार. मुझे तो काफी ज्यादा यूनिक लगा पर्सनली, क्योंकि सब जो भी खेलता है वो चाहता है कि मैं कभी ना कभी एक मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखूं, मैं किसी ना किसी टीवी में कभी ना कभी कोई टूर्नामेंट की वजह से टीवी पे आऊं, फोन पे आऊं. हर पेरेंट्स चाहते अपने बच्चों को देखना, पर लोकल क्रिकेट में ऐसा कभी होता नहीं था. सिर्फ इंटरनेशनल रणजी ट्रॉफी कवर होते थे, पर अभी ये ऐप है कि वो टेनिस बॉल क्रिकेट से लेकर सीजन बॉल अच्छे लेवल सब कुछ कवर कर रहा है, सबको चांस दे रहा है अपना टैलेंट शोकेस करने का. और हर एक क्रिकेटर के पास अपॉर्चुनिटी है, वो अपने स्टैट्स अपना डिटेल्स सब कुछ डाल सकता है, सब कुछ देख सकता है, नियर बाय प्लेयर्स अंपायर सबको कांटेक्ट करके उनके साथ खेल सकता है. सही बात है. और आपने आप इतना अच्छा खेल रहे हो तो आप भी अपना प्रोफाइल जल्दी बना लो, क्योंकि सब देख पाएंगे आपका प्रोफाइल. आपकी इतनी अच्छी है स्टैट्स और आप इतना अच्छा खेले हो तो आई थिंक यू डिजर्व टू बी सीन अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड ऑल्सो के आपके पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो चाहे वो कहीं भी कौन से भी कोने में हो दुनिया के, और अगर उनको आप बोलोगे कि मेरा मैच है अभी मुझे देख लो, मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो वो आपको कहीं से भी देख पाएंगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ऑफ कोर्स वो देखकर काफी खुश भी होंगे, ये आपका हाँ. यही तो खासियत है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच साई नायडू, एंड क्रिक दोस्त की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, एंड वी विश यू कि आप और भी सेंचुरीज मारे और भी हमें खुश करे सबको और भी चौके छक्के मारे. एंड यस, एंड गाइस देयर इज दिस ऑफर गोइंग ऑन, यू कैन डू योर मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ योर मैच टिल फॉर फ्री. यस, यू हर्ड इट राइट, फॉर फ्री टिल 31st of December 2020. सो रजिस्टर नाउ एंड प्ले सून. Thank you. Thank you, Ayushi. Thanks for having me.